ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। हो टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आतस दखत कर दे। तू अब तलकता अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। दिव्यांग जिसे समाज अपाहिज और पागल समझता है, असल में वो लोग पागल और अपाहिज नहीं बल्कि दिव्य अंगों के साथ जन्म लेते हैं, जो हमारे थोड़े से स्नेह के साथ अपने अंगों का भली भांति इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बात को समझने के लिए दिल्ली के सुंदरलाल जैन अस्पताल में नोटरी क्लब ऑफ दिल्ली अपटाउन द्वारा दिव्यांग द ट्रूली स्पेशल पीपल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ, डॉक्टरों और समाज सेवियों ने शिरकत की और बताया कि कैसे दिव्यांग बच्चे किसी से किसी भी तरह कम नहीं है। इस मौके पर एक दिव्यांग बच्ची नसीबा भी मौजूद रही, जिसके हाथ और पैर पूरी तरह से विकसित नहीं होने के कारण उसके परिवार और समाज ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन नसीबा का नसीब भी अपने नाम की ही तरह तेज निकला। नसीबा ने कड़े परिश्रम से दिखा दिया कि वो भी किसी से किसी भी तरह कम नहीं है। नसीबा हरियाणा की स्टेट लेवल व्हील चेयर रनर है और नसीबा पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती है। नसीबा सभी दिव्यांगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने बताया कि कैसे हम दिव्यांग बच्चों का सहारा बन सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद मीनू शर्मा ने बताया कि स्पेशल बच्चे वो बच्चे हैं जो अलग तरह से काम करने में सक्षम हैं और ये बच्चे हर वो काम कर सकते हैं जो कि सामान्य बच्चे कर सकते हैं। कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो डिसेबल्ड नहीं हैं, उन्हें हमारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है। वो भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारे देश के लिए वो भी काम कर सकते हैं, खेलों में पदक ला सकते हैं, वो मॉडलिंग कर सकते हैं, वो एक्टिंग कर सकते हैं, वो सिंगिंग कर सकते हैं, वो डांसिंग कर सकते हैं, दुनिया का हर वो काम जो हम ट्रेडिशनली एबल्ड जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि हम सामान्य लोग, उन्हीं की तरह वो काम कर सकते हैं और शायद हमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद दिव्यांग सिमरन चावला ने अपने जैसे लोगों को कहा कि सिर्फ खुद पर विश्वास रखो और वो करो जो आप करना चाहते हो, आपको ऐसा करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो यू कैन डू एवरीथिंग, यू आर नॉट इवन लेस देन एनीवन, इनफैक्ट यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीवन। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में ऐसे दिव्यांग बच्चे जो अपने इलाज का खर्च तक नहीं उठा सकते, वो लोग उनका इलाज मुफ्त में करते हैं। जो 0 ईयर से 5 ईयर तक के बच्चे को हम जो भी मेंटली रिटार्डेड या जो भी स्लो होते हैं अपने दिनचर्या करने में, उन बच्चों की केयर करते हैं, और यहाँ का जो बच्चे पैसा नहीं दे सकते उनको हम फ्री करते हैं, क्योंकि ये जो दिव्यांग बच्चे हैं वो रादर स्पेशल बच्चे हैं, तो स्पेशल बच्चों की केयर हमें स्पेशल तरीके से करनी चाहिए। इस दौरान एक ऐसे भी शख्स मिले जो बेहद ही छोटे स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं और उन्होंने बताया कि ये बच्चे किसी भी तरह से किसी भी सामान्य बच्चे से कम नहीं है। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता है, आदमी की काम करने की इच्छा है तो कोई काम मुश्किल नहीं होता उसके लिए। वही हमारी भी इच्छा थी कि काम करना है बच्चों के लिए, और काम कर रहे हम तो कोई मुश्किल नहीं आ रही है। हमारे पास अभी 45 बच्चे हैं स्कूल में, हम स्कूल चला रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया था क्योंकि सारे बच्चे स्लम से आ रहे हैं। इस प्रोग्राम से लोग कितना समझ पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दिव्यांग हमारे समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसे हम कभी भी अपने से अलग नहीं समझ सकते। ये बात हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर